लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री हरि, जय श्री राम। ब्राह्मण देव, आपके स्वागत में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे पास जो भी रूखा सूखा था हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है, वो भी रघुवा ने व्यवस्था की। नहीं देवी, आप धन्य है देवी, आपका रघुवा भी धन्य है। आपके रघुवा की स्वामी भक्ति और भोजन प्रवीणता प्रशंसा के योग्य है ना देवी? हाँ नाथ, इस भोजन का स्वाद तो हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। रघुवा, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है, तुम सदा सुखी रहो, फूलो फलो। आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुआ, परंतु उस आशीर्वाद का अधिकार तो मेरी स्वामिनी को है, मैं तो उनका तुच्छ सेवक हूँ। नहीं नहीं, ये सब कुछ रघुवा की ही सेवा का फल है, जो हम आपके लिए कुछ कर सके। आप धन्य है देवी, आपका आतिथ्य धन्य है, आपका भोजन ग्रहण करते ही आपको हमारा हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ब्राह्मण देवता, केवल आशीर्वाद से ही अतिथि पूर्ण नहीं होता, आप हमारे अतिथि होने के साथ साथ ब्राह्मण देवता भी हैं, और ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श से पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी स्वामिनी को अपने चरण स्पर्श करने का अवसर प्रदान कीजिए। ऐसे महान लोग तो केवल भाग्यवानों को ही मिलते हैं। अरे गुआ, हाँ, हमारे भाग से ही तो ये लोग यहाँ पधारे हैं। कहिए ब्राह्मण देव, हमारे लिए कोई और सेवा हो तो कहिए। नहीं देवी, बस एक ही कामना रह गई थी जो पूरी ना हो सकी। हम इतनी दूर से अयोध्या पधारे, परंतु प्रभु श्री राम के दर्शन ना हो सके।
हमें तो लगता है कि उन्हें अपने भक्तों को दर्शन देने की भी सुध न रही। हमने तो यहाँ तक सुना है कि आपके प्रभु श्री राम को अपने प्रिय सेवक हनुमान से मिलने का भी समय नहीं है। क्या ऐसे हैं आपके राजा राम? बेचारे हनुमान, उनके दर्शनों के लिए व्याकुल गलियों में भटकते रहते हैं। नहीं नहीं, हमारे राजा श्रीराम ऐसे नहीं हैं। उन्होंने तो अपनी प्रजा के कहने पर बहुत कुछ त्याग दिया है। उन्हें अपनी प्रजा की सुध अवश्य रहती है। ठीक है देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। हनुमान, जाओ जाओ। जय श्री हरि। नाथ, वो हमारा कार्य? देवी, हमारा कार्य तो कब का पूर्ण हो चुका है, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ। देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, प्रभु मेरे आराध्य, प्रभु कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने आपको, अब मुझे ये लीला ना कीजिए। आपका विद्रोह सह नहीं सकता आपका ये भक्त, प्रभु सह नहीं सकता। महावीर हनुमान, मेरे घर में? प्रभु, अब आप ये छद्म वेश त्यागिए और मुझे अपने मूल रूप में दर्शन दीजिए। प्रभु, मूल रूप में दर्शन दीजिए। हे देवों के देव महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे प्रभु को समझाइए कि अब मुझे अपने मूल रूप में दर्शन दें और अपना छद्म वेश त्यागें। हे जगत माता, प्रभु को समझाइए कि अब मुझे दर्शन दें। प्रभु के विद्रोह से व्याकुल मेरा हृदय अब और नहीं सह सकता। मेरा निवेदन स्वीकार करें प्रभु, मेरा निवेदन स्वीकार करें, मुझे मूल रूप में दर्शन दें। प्रभु, मूल रूप में दर्शन दें। रघुवीर, आप कृपया हनुमान की इच्छा पूर्ण कीजिए। किंतु देवी, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। रघुवीर, एक भक्त अपने आराध्य की सारी सीमाएं लांघ सकता है। भक्ति के लिए सीमाओं का कोई बंधन नहीं रहता। हमें भी एक भक्त की भक्ति ने, पुत्र की विवलता ने और शिष्य की व्यग्रता ने यहां आने पर विवश किया। अर्थात देवर्षि नारद, अब आप भी सम्मुख आ जाइए और समझाइए अपने नारायण को। जय हो उमा महेश्वर की जय हो। नारायण नारायण। ये मैं यथार्थ में देख रही हूँ या कोई दिवा स्वप्न है? क्षमा कीजिए भैया, मुझे भी आपके समक्ष इस प्रकार आने का साहस नहीं हो रहा था, किंतु मैं भी आपके दर्शन के लिए व्याकुल था। नारायण नारायण। प्रभु, मेरे शिष्य हनुमान की व्यग्रता मुझसे देखी ना गई और मैं ये सब करने पर विवश हो गया, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रभु अब अपना ये छद्म वेश त्याग कर अपने मूल रूप में आइए और हमें दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। प्रभु, अपने मूल रूप में आइए। प्रभु अपने भक्त को अपने मूल रूप में दर्शन दीजिए, अपने मूल रूप में दर्शन दीजिए। श्री राम, अपने मूल रूप में आइए और हनुमान को दिए हमारे वचन को पूर्ण करने में हमारी सहायता कीजिए। हाँ प्रभु, अपने मूल रूप में आइए। प्रभु, अपने मूल रूप में आइए भैया, अपने मूल रूप में आइए भैया, अपने मूल रूप में आइए। प्रभु, आइए भैया, आइए। हाँ प्रभु, अपने भक्त को अपने मूल रूप में दर्शन दीजिए, अपने भक्त को अपने मूल रूप में दर्शन दीजिए। प्रभु, अपने मूल रूप में आइए। प्रभु, अपने भक्त को अपने मूल रूप में दर्शन दीजिए। प्रभु, नारायण नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम।
देवाधिदेव और जगत माता से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी अपने मूल रूप में आकर हमें दर्शन दीजिए। जय उमा महेश्वर, जय उमा महेश्वर, जय शिव शंकर। मैं ये सब क्या देख रही हूँ, ये सब क्या देख रही हूँ? हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु, ये मैं किसे पुकार रही हूँ? प्रभु तो मेरे सम्मुख हैं, मेरे तो कितने जन्मों का पुण्य है ये, मैं क्या करूं? मैं किसके चरण स्पर्श करूं? मैं तो धन्य हो गई, मेरे तो सारे जन्मों के पाप धुल गए जो आप सब लोग मेरे घर पधारे। नारायण नारायण, देवी सुकेशा, तुम जैसी सौभाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकती जो प्रभु श्री राम स्वयं तुम्हारी सेवा करने के लिए पधारे हैं। हाँ, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं स्वार्थी, मैं आपसे सेवा करवाती रही प्रभु। आपने सदा मुझे पुत्रवत स्नेह दिया है, कभी सेवक नहीं समझा, आप तो मेरी माता समान है। नारायण नारायण, प्रभु की लीला अपरंपार है, इसीलिए तो कहते हैं कि सबके प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए, न जाने कब कहां कैसे किस वेश में नारायण के दर्शन हो जाए। नारायण नारायण। गुरुदेव, आपका मुझ पर आभार है जो आपने अपने शिष्य को अपने प्रभु के दर्शन करवाए। देवाधिदेव महादेव और जगत माता का भी मुझ पर आभार है कि वो मेरे लिए कैलाश से यहां पृथ्वी तक आए और इतने कष्ट उठाए। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। नहीं हनुमान, आभारी तो हम तुम्हारे हैं। तुम्हारी भक्ति और विवलता ने हमें अयोध्या आने पर विवश कर दिया और हमारे भी भाग्य देखो कि स्वयं श्री राम ने हमें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाया, अन्यथा हमें ऐसा अवसर और कहां मिलता है ना देवी। श्री राम, हमारी आपसे विनती है, हनुमान की भक्ति का कोई पारावार नहीं है, ऐसे भक्तों को अधिक दिनों के लिए अपने दर्शनों से वंचित ना करें। प्रिय हनुमान, हमें तुम्हारी भक्ति और व्यग्रता का ज्ञान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण 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 नारायण।